धर्मेंद्र के पोते और सनी देओल के बेटे करण देओल की सगाई की खबरें सामने आई है। कहा जा रहा है कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर प्रोड्यूसर फिल्म मेकर बिमल रॉय की पोती दृशा रॉय के साथ सगाई कर ली है। दृशा रॉय कौन है, किस फैमिली से बिलोंग करती है, चलिए आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। बिमल रॉय इंडस्ट्री के नामी फिल्म मेकर है, उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनकी फिल्में ही उनकी पहचान है। फिर चाहे दो बीघा जमीन हो, परिणीता हो या फिर देवदास जैसी फिल्म हो, कई फिल्म मेकर्स आज भी बिमल रॉय की फिल्म मेकिंग की स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। खैर, आपको बताएं कि बिमल रॉय की डेथ जल्दी ही हो गई। ईयर 66 में वो इस दुनिया से गुजर गए लंग इन्फेक्शन के कारण। इसके बाद उनकी वाइफ मनोबिना रॉय को ही पूरा घर संभालना पड़ा। हालांकि स्टूडियो या फिल्म प्रोडक्शन तो उन्होंने नहीं संभाला, लेकिन अपने चारों बच्चों को एक अच्छी अपब्रिंगिंग दी। आपको बता दें कि विमल रॉय के चार बच्चे थे, तीन बेटियां और एक बेटा। रिंकी, अपराजिता, यशोधरा तीन बेटियां, वहीं जॉय विमल रॉय उनका बेटा है। विमल रॉय का बांद्रा के पॉश एरिया में एक बंगलो था जिसका नाम उन्होंने माँ रखा, और इसी बंगलो में वो अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। बिमल रॉय की डेथ के बाद वाइफ ने ही पूरा घर और फैमिली को संभाला और बेटियों की शादी कराई। बात करें अगर जॉय बिमल रॉय की, तो इनिशियली उन्होंने डायरेक्टर बनने के लिए ट्रेनिंग ली। वो श्याम बेनेगल के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे और आगे चलकर उन्होंने अपने पिता पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। साथ ही जॉय बिमल रॉय एक राइटर भी हैं और वो अपना फैशन लेबल भी चलाते हैं। टच ऑफ जॉय नाम का ये फैशन लेबल है, और जॉय बिमल रॉय की ही बेटी है दृशा रॉय, जिनसे करण देओल की सगाई हुई है। खुद दृशा रॉय अपने पिता की तरह एक फैशन डिज़ाइनर हैं। वो इंस्टाग्राम पर काफ़ी एक्टिव रहती है और फैशन को लेकर टिप्स शेयर करती है। इसके अलावा वो अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाती है। हालांकि दृशा का जो इंस्टा हैंडल है, वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ जो अपने बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में लिखी है, वो ये कि वो एंटी सोशल है, यानी कि ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करती है। कहा जाता है कि दृशा और करण दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं और यही कारण है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। और हाल ही में जब धर्मेंद्र की तबीयत ख़राब हुई, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब धर्मेंद्र की इच्छा के अनुसार करण की सगाई कर दी गई और अब जल्द ही करण और दृशा की शादी की तैयारियाँ होंगी देओल फैमिली में।